अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो मैं हूँ आपका आवेज आलम अंसारी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, सडनली हम लोग का प्लान हो गया है एक स्मॉल ट्रिप करने का। तो अभी हम लोग एक स्मॉल ट्रिप पे जा रहे हैं, उसका नाम वैशाली है, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर है। तो सडनली फ्रेंड लोग का कॉल आया कि चलो चलते हैं। तो 7-8 लोगों की ग्रुप है हमारी, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ वहाँ पर एक बार भी, मैं तो फर्स्ट टाइम है मेरा। बट फ्रेंड लोग गए हैं तो उन्होंने बताया है कि हाँ, अच्छे प्लेसेस हैं, 2-3 विजिटिंग साइट्स है, एक जैन टेम्पल है, एक बुद्धा टेम्पल है, एंड एक शायद अशोक पिलर करके कुछ है। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं जा रहा हूँ अभी रेडी होने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं बाइक पे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम लोग एक स्मॉल ट्रिप पे निकल रहे हैं। सडनली हमारा प्लान हो गया निकलने का। तो गाइस, फ्यूल बहुत लो है, तो इसलिए हम पेट्रोल पंप पर आए फ्यूल लेने के लिए। पहले फ्यूल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। घाट आ गए हैं, ये रेवा घाट का ब्रिज है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये हम लोगों के ग्रुप यहाँ रुकी हुई है। सो गाइज, ही इज़ माई लिटिल ब्रदर, ही इज़ माई कज़न राजिक, और ये भी आज हमारे साथ आया है। और ये हमारे इरशाद भाई है। हेलो, उस साइड से लियो, उस साइड, उस साइड देखिए, उस साइड का व्यू। और गाइज, आप यहाँ रेवा घाट का व्यू देखो, बस मेरा फोन ना गिरे। गाइस, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ की व्यू कितनी अच्छी है। और ये है हमारे नियाज भाई, ये हमारे टाइसन भाई है, और अपना ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है। हम लोग 5 बाइक से आए हुए हैं, और ये भी भाई हमारे साथ में है, एक भाई ये भी हमारे साथ में, और एक ये हमारे राइडर। और ये सैफ भाई, हमारे बाइकर नुमान के पिलियन, और ये मुजम्मिल, और ये हमारे नुमान भाई, बाइकर नुमान, इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ से हम लोग अब सब साथ में निकलेंगे, अभी तक अलग अलग चल रहे थे, तो अब यहाँ पे हम लोग सब लोग साथ में निकलने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो गाइस, ये हमारी बाइक है। तो गाइस, चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो निकला जाए, चलो निकलते हैं।
तो गाइस यहाँ से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर और है वैशाली, तो हम लोग वैशाली में चल रहे हैं, फिर वहाँ चल के हम आपको वहाँ की ब्लॉगिंग दिखाएंगे और वहाँ भी हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे। तो गाइस लेट्स रेडी। पीछे रह गए हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ रहा है उनका। गाइस मौसम बहुत अच्छा है आज का, इसलिए सडनली हम लोग का प्लान बन गया निकलने का। और ये हमारे सैफ भाई और ये बाइकर नुमान, इनका लगता है हम लोग पहुंचने वाले हैं और ये एंट्री गेट है उसकी। फन एंड फूड विलेज, ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। एंड दिस स्मॉल पॉन्ड, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ बाइक पार्किंग करके और फिर हम लोग अंदर एंट्री लेंगे। तो गाइस ये यहाँ की पार्किंग है, जो भी है जैसी है बस बाइक सेफ है यहाँ। सो गाइज फाइनली हम लोगों ने एंट्री ले लिया अंदर, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ।
विश्व शांति स्टूपा विजिटिंग, 7 से 5 बजे तक खुली रहती है ये। गाइज ये हमारी ग्रुप ये रहे अवेज भाई, इनका भी यूट्यूब चैनल है बाइकर अवेज करके, और ये मेरा छोटा भाई फाइनली मेरे हेलमेट को हैंडल करते हुए एक्चुअली मैं हेलमेट बाहर छोड़ नहीं सकता था, इसके वजह से मुझे इसे साथ में लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ चोरी होने का भी डर है थोड़ा। सो गाइस ये यहाँ का व्यू है, लाइट उस साइड से आ रही है जिसकी वजह से ये इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, बट गाइज रियली इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइज फाइनली हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो अंदर चल के देखते हैं। यहाँ काफी लोग आए हैं फोटोग्राफ्स के लिए, फोटोशूट के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग पूजा करने के लिए आए हैं, कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं। सोचा था कि अंदर में कुछ होगा यहाँ पर, बट अंदर में कुछ नहीं था, जो भी था बाहर से बाहर ही था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो कौन सा जगह? अशोका पिल्लर। तो वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ का व्यू कैसा है और वहाँ क्या सीन है। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहना, और बाकी सारे लोग आगे हैं तो मैं भी ऑन द वे हूँ, और ये बैक साइड। तो गाइज ठीक है चल। तो गाइज हम लोग अशोका पिल्लर पहुँच गए हैं, और ये इसका गेट है। सो गाइज हम लोग अशोका पिल्लर पहुँच गए हैं, और ये यहाँ का टिकट काउंटर है, और ये बारकोड है ऑनलाइन टिकट लेने के लिए। ऐसे तो 25 रुपीज़ पर पर्सन है, जो 15 साल के ऊपर है उनका फुल टिकट लगता है, और जो 15 साल के नीचे है उनका नो टिकट है। और ये हमारे इरशाद भाई एक टिकट ले चुके हैं, 17 साल, और हम लोगों ने टिकट ले चुका है। और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो 25 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाते हैं, तो 20 रुपीज़ ही लगते हैं। गाइज हम लोग अशोका पिलर में इन कर चुके हैं, और ये काफी ब्यूटीफुल प्लेस है। मुझे नहीं पता था कि अपने छपरा अपने वैशाली में भी इतनी अच्छी जगह है, बट फाइनली इतनी अच्छी जगह मिल गई है। तो आइए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, कैसा व्यू है।
गाइस अशोका पिलर यहाँ का नाम है इस जगह का, और यहाँ का अशोका पिलर इसको बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो पिलर आपको दिख रहा है यही है अशोका पिलर। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर ले। तो ये हम लोग का एक छोटा सा स्मॉल ट्रिप था। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, बट देखते हैं किस चीज़ पे बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। Fighting to create a song.